ये केस जो है सोमेश्वर थाने का है। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं, बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो इनके बैग में एक गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि गुलदार जिस भी मांस को खाता है, कोई मरा हुआ मांस है तो उसमें पॉइजन डालकर फिर वेट किया जाता है कि गुलदार वो खाकर कब जो है मरने लगेगा। उसके बाद वो उसको खाल को बड़ी एक्सपर्ट तरीके से निकाल कर आगे तराई के क्षेत्र में इसको बेचते हैं। और अभी तक तो आगे कोई नाम हमारे हाथ आए नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम एक अकेले का नहीं हो सकता ये हमारा सोचना है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का नेटवर्क खुले और आगे और इसके साथ में जो साथी रहे हैं उनका हम नाम खोलने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी टीम के प्रभारी सुनील धानिक और सौरभ भारती और थाना अध्यक्ष विजय नेगी जो हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी है, तथा इसमें हमारे कुछ कांस्टेबल भी रहे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि 2019 के बाद ये अल्मोड़ा में जो है उसके बाद ये खाल बरामद हुई है और अभी हाल ही में एक और खाल बरामद हुई थी नैनीताल की तरफ। तो इस प्रकार के जो क्राइम है वाइल्ड लाइफ का, मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है और इसमें अगर हमें कोई भी उपलब्धि हासिल होती है तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम यहाँ पर फॉरेस्ट नियमों का पालन करा सकें और इन जीवों को बचा सकें। तो इसमें सूरज सिंह और राकेश भट्ट और पवन थ्वाल और गोपाल गिरी, ये हमारी टीम रही है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की, जिनको मैं पुरस्कार भी करूँ।